नमस्कार, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा और आसानी से बनने वाला स्वेटर का पैटर्न लेकर आई हूँ। इसको आप स्वेटर पर तो डाल ही सकते हैं, कार्डिगन पे भी बना सकते हैं, कैप्स पे भी बना सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा बनकर आता है। ये देखिए, इसके लिए आपने बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर सीधी और उल्टी सिलाइयों से इसको बना लेना है और फिर ये हमने पैटर्न बनाते जाना है। तो इस तरह से बनाने पर यह बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आता है, ये देखिए। और ये जो पैटर्न है, चार सिलाइयों का पैटर्न है। चार सिलाइयों के बाद आपने फिर सीधा और उल्टा बुनते हुए डिज़ाइन बना लेना है और इस तरह से हमारा ये स्वेटर बनता जाएगा। और ये जो पैटर्न है, ये दो का मल्टीपल है, यानी कि इसके लिए हमें दो दो फंदों का मल्टीपल लेते हुए इसको बना लेना है। जितना भी आपको अपने पैटर्न प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको जितने फंदे चाहिए हों, दो दो के हिसाब से आपने बना लेने हैं फंदे। ये देखिए, ये उल्टी तरफ से भी ऐसे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा, और बीच में हल्के हल्के से छेद आते हैं तो ये बड़ा ही प्यारा बनता है। इसको आप कैप पे भी डालें चाहे कार्डिगन बनाइए, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये और उल्टी तरफ से ये इस तरह से दिख रहा है। और इसके लिए आप चाहें तो मोटी ऊन से बनाएं, तो उससे क्या होगा, ये डिज़ाइन ज़्यादा उभर कर आएगा और ज़्यादा मोटा मोटा ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप पूरे स्वेटर पर भी डाल सकते हैं। तो चाहे सिर्फ आप फ्रंट वाली तरफ ही ऐसे डिज़ाइन बनाएं और पीछे प्लेन बना लें, तब भी बड़ा अच्छा ये बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डाल रही हूँ। मैंने इसके लिए 10 फंदे डाल लिए हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ। इसके लिए एक सिलाई मैंने जो है वो सीधी सीधी फंदों से बुनते हुए कंप्लीट की है और फिर दूसरी सिलाई मैंने उल्टे फंदों से कंप्लीट की है और उसके बाद मैं तीसरी सिलाई से पैटर्न को शुरू करूँगी, क्योंकि ये पैटर्न के लिए पहले आपको सीधी और उल्टी सिलाइयाँ थोड़ी सी बुननी है, उसके बाद आपको बीच में पैटर्न डालना है। डार्क कलर की ऊन के ऊपर अगर आप इस पैटर्न को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। और इसके लिए आप चाहें तो मोटी ऊन ही लें, उससे ये ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, मैंने अब उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम पैटर्न को शुरू करेंगे। चार सिलाइयों का पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो ये पहली सिलाई आ गई, यानी कि फर्स्ट रो आ गई। इसके लिए एक एजिंग का फंदा मैंने बुन लिया है और आगे हमने दो का मल्टीपल है तो दो फंदों के आगे से हमने इस तरह से सिलाई निकाल के धागे को खींच लेना है और दो फंदे जो इकट्ठे किए हैं उनको पीछे वाली तरफ से हमने सीधा बुन लेना है इस तरह से, ये देखिए। फिर अगले दो फंदों में से इस तरह से हमने धागा निकाला और फिर दोनों फंदों को ऐसे पकड़कर पीछे वाली तरफ से धागे को ऐसे निकाल के सीधा फंदा उसका बना लिया, दो का एक कर लिया हमने। इस तरह से हमने दो दो फंदों को बनाते जाना है ऐसे धागा खींच के, फिर अगले दो फंदे हमने वैसे ही पीछे वाली तरफ से बुन के उतार लेने हैं इस तरह से। बड़ा ही आसान है पैटर्न ये। ये देखिए, और ये लास्ट का एजिंग का आ गया हमारा। ये देखिए, इस तरह से दिखना शुरू हो गया। अब आ गई हमारी सेकंड रो। सेकेंड रो में भी हमने एजिंग का पहले एक फंदा उतार लेना है। अब हमारे ये दो फंदे हैं ये इकट्ठे हो गए हैं इसके अंदर, अब हमारा छेद बन गया है। इसी तरह से हमने जैसे फर्स्ट रो को बनाया वैसे ही हमने सेकेंड रो को हमने बनाना है, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने बनाना है। और उन्हीं दो फंदों को इकट्ठे करके बुनना है जैसे हमने
पहले दो फंदे बुने थे, चेंज नहीं करने हैं। सेकंड रो में भी वही पैटर्न हमने रिपीट करना है इस तरह से। फिर अगले दो फंदे फिर से हमने वैसे ही बना लेने हैं। और ये लास्ट का एजिंग का आ गया, उसको भी हमने बुन लिया। अब हमारी पैटर्न की दो रो जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जो इस तरह से दिखना शुरू हो गया है, अब आ गई तीसरी रो। तीसरी रो में भी हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहली और दूसरी रो को बनाया। वही दो फंदे हमने जो जोड़े हुए थे उन्हीं को ही हमने फिर से उसी तरह से बनाते जाना है इस तरह से। फिर पीछे वाले तरफ से हमने सीधा फंदा बुन लेना है और दो का एक कर लेना है इस तरह से। और तीसरी सिलाई भी हमने वैसे उसी तरह से सेम बनानी है। एक ही डिज़ाइन को हमने सीधी उल्टी और सीधी तरफ से तीन बार हमने तीन रो में हमने वैसे ही सेम बनाया। ये देखें अब ये इस तरह से दिखना शुरू हो गया। अब फोर्थ रो आ गई हमारी। फोर्थ रो में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक एक फंदे को उल्टा बुनते हुए फोर्थ रो को कंप्लीट करना है। चौथी सिलाई में हमने सारे फंदे जो हैं उल्टे बुने हैं और एक एक फंदे को उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा पैटर्न जो है चौथी सिलाई में कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमने फिर सीधी सिलाई उल्टी सिलाई बुनते हुए बीच में आपने जितनी सिलाइयों का गैप रखना है वैसे रख लेना है। और फिर इसी पैटर्न को, चार सिलाइयों के पैटर्न को फिर से हमने रिपीट कर लेना है। तो ये बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर ये बनना शुरू हो जाएगा। मैंने इन दोनों पैटर्न्स के बीच में आठ सिलाइयों का गैप रखा है। आप चाहें तो कम रख सकते हैं या ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।